शिव ठाकरे ने सुमुल को बोला कि भाई तू इतना ज्यादा इतना कम क्यों रोई है, आखिरकार रोना कहां से आया था, क्यों घर वाले रोए थे और क्यों शिव ठाकरे ने रोने का सवाल जो है सुमुल को पूछ दिया है। चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि इसका जवाब सुमुल ने क्या दिया है और शिव ठाकरे ने ये सवाल सुमुल से क्यों पूछा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने प्रोमो भी देखा, जहां पर प्रोमो में बिग बॉस जो है ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 9 हफ्ते हो गए हैं आप लोगों को घर से दूर हुए हुए, तो दिल में काफी सारी चीजें होंगी, तो आइए मुझसे कुछ बातें कीजिए। जहां पर पूरे घर वालों को जो है कन्फेशन रूम में बुलाया गया और दिल में जो है काफी सारी चीजें जो कंटेस्टेंट से वो कर नहीं पाते, रोते रोते जो है कंटेस्टेंट ने सारी बातें जो है बिग बॉस के सामने रख दी और सब लोग जो है काफी ज्यादा रो रहे थे। और उसके बाद जो है सुम्बुल और शिव बात करते होते हैं और जहां पर शिव सुम्बुल को बोलते हैं कि भाई तू वैसे तो बाकी दिन बहुत ज्यादा रोती रहती है, कोई भी चीज हो जो रो जाती है, यहां पर हम सब लोग इतना ज्यादा रोए पर तू बहुत ही कम रोई, ऐसा क्यों? जहां पर सुम्बुल बोलती है कि तुझे कैसे लगता है कि मैं बहुत ही कम रोई हूं, मैं बहुत ज्यादा रोई हूं, अभी भी मुझे रोना आ रहा है, मेरी आंखें जो है इतनी ज्यादा भर आई है, मेरी आंखें जो है फूल गई है इतना ज्यादा रो रो के, और तू मुझे बोल रहा है कि मैं कम रोई हूं, मैं कम नहीं रोई हूं, मैं ज्यादा ही रोई हूं, तुम लोगों से ज्यादा रोई हूं। पर सब लोगों को रोते हुए देख के जो है मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं सब लोगों को संभालू। ये बात जो है सुमुल तकीर खान शिव ठाकरे के सामने इसका जवाब देती हुई नजर आती है। हालांकि होता है कि भाई काफी ज्यादा मैं काफी ज्यादा इमोशनल पर्सन हूं, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूं, मैं बहुत जल्दी किसी का दर्द देख के रो पड़ती हूं, पर एक बात यह है कि सामने वाला अगर रो रहा होता है तो मैं कंट्रोल कर लेती हूं और दूसरे को मैं संभाल लेती हूं। इतनी स्ट्रेंथ जो है ऐसे इमोशनल पर्सन में होती है, क्या आप लोग भी ऐसा मानते हैं बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।